लोकसभा में आज शाम 5 बजे पीएम मोदी देंगे विदाई भाषण। 17वीं लोकसभा का आज आखिरी दिन, राम मंदिर पर भी बोलेंगे पीएम। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी में फूट, संभव सूत्रों के हवाले से खबर। लालू यादव के 12 विधायक पता नहीं, 2 विधायक गायब, 10 विधायक लालू के बुलावे के बाद भी मिलने नहीं पहुंचे। राम मंदिर पर संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव किया जाएगा पास, बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। सदन में पीएम मोदी का किया जाएगा अभिनंदन, भव्य राम मंदिर के लिए दिया जाएगा धन्यवाद। लोकसभा और राज्यसभा में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर होगी चर्चा, बीजेपी ने सभी सांसदों को संसद में रहने के लिए कहा। संसद में श्वेत पत्र पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर बरसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कहा कांग्रेस के 10 साल में सिर्फ घोटाले ही घोटाले। निर्मला सीतारमण ने यूपीए सरकार को बताया आंदोलनजीवी और भ्रष्टाचारजीवी, कहा सोनिया गांधी ने सुपर पीएम के रूप में किया काम। चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कहा हमारी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को नाजुक स्थिति से बाहर निकाला। बीजेपी के श्वेत पत्र को कांग्रेस ने बताया राजनीतिक घोषणा पत्र, मनीष तिवारी ने कहा संपर्क सरकार ने आर्थिक बुनियाद मजबूत की। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने श्वेत पत्र के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। ओवैसी ने श्वेत पत्र को बताया शब्दों का आडंबर, का श्वेत पत्र में न तो नोटबंदी की विफलता का जिक्र, बुलडोजर एक्शन पर भी तंज कसा। पीएम मोदी ने कई सांसदों के साथ संसद भवन के कैंटीन में किया लंच, सांसदों को सुनाया अपने पाकिस्तान जाने का किस्सा। नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी एनडीए, 12 फरवरी को विश्वास मत से पहले में होगा पेश। बिहार में फ्लोर टेस्ट के पहले सभी दल सतर्क, विधायकों को सहेजने में जुटी सभी पार्टियां। फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू ने की अपने विधायकों की घेराबंदी, सूत्रों के हवाले से खबर आई है, पटना बुलाए गए जेडीयू के सारे विधायक। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार की आवास पर आज भोज का आयोजन, भोज में शामिल होंगे जेडीयू के सभी विधायक। फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू ने बुलाई विधायकों की बैठक, दोपहर 12:30 बजे बैठक होगी, विश्वास मत को लेकर बनेगी रणनीति। बोधगया में 2 दिवसीय कार्यशाला में भाग लेंगे बीजेपी के विधायक, वर्चुअली संबोधित करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर बोले जयंत चौधरी, कहा आप किस मुंह से पीएम मोदी को इंकार करेंगे। बीजेपी और आरएलडी में गठबंधन लगभग तय, सूत्रों के हवाले से खबर, 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरएलडी। हल्द्वानी हिंसा में बढ़ गया मृतकों का आंकड़ा, अब तक हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई, अस्पताल में जख्मियों का इलाज जारी है। एहतियात के तौर पर हिंसाग्रस्त इलाकों में अगले आदेश तक कर्फ्यू लागू, 1200 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात, पिछले 24 घंटे में हिंसा की कोई खबर नहीं। हल्द्वानी हिंसा पर सीएम धामी का बयान, का पहले से सुनियोजित थी पूरी हिंसा, कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने गई थी पुलिस। उत्तराखंड में माहौल खराब करने की हुई कोशिश, सीएम धामी बोले महिला पुलिसकर्मियों को भी मारा पीटा गया। हिंसा के बाद एक्शन उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री धामी बोले दोषियों पर करेंगे बड़ी कार्रवाई। सीसीटीवी के जरिए की जा रही दंगाइयों की पहचान, एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा बोले चिन्हित कर उपद्रवियों पर होगी कार्रवाई। हल्द्वानी हिंसा पर मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ बयान, तौकीर ने पीएम मोदी और सीएम धामी पर दिया विवादित बयान। बुलडोजर एक्शन पर तौकीर रजा ने उठाया सवाल, का अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई हमला करेगा तो उसको जान से मार देंगे। तौकीर रजा के बयान पर राजभर ने किया पलटवार, कहा कानून हाथ में लेंगे तो प्रशासन कार्रवाई करेगी। कल अयोध्या जाएंगे आरएलडी के सभी विधायक, रामलला के दर्शन किए जाएंगे। 11 फरवरी को मध्य प्रदेश जाएंगे पीएम मोदी, झाबुआ में कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। 2 दिवसीय पंजाब के दौरे पर जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, घर घर राशन स्कीम को करेंगे लॉन्च। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद किसान संगठन खुश, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। कश्मीर के गुलमर्ग में कड़ाके की ठंड, -9 डिग्री तक पहुंचा पारा, दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में पारा -5 डिग्री दर्ज। Z News.